किसी भी दिशा में रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री। इसके बाद आप आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी दिशा में आसानी से घुमा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कितना कंफर्टेबल है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए दोस्तों इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 2.25 फीट की होगी। आसानी से आप इससे अपना जो फ़ोटो है कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो हमने 3-in-1 मोबाइल सेल्फी स्टैंड ट्रिपॉड से संबंधित बनाया है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सेल्फी स्टिक मोबाइल स्टैंड ट्रिपॉड है, 3-in-1 है। तो इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक ब्लॉग बनाते हैं या आप कहीं टूर के लिए जाते हैं, तो आपके लिए सेल्फी स्टैंड बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं और ये कैसे काम करता है, और दोस्तों ये हमने जो अभी है ऑनलाइन ही ख़रीदा था, तो ऑनलाइन ख़रीदने के बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग भी आपको करके दिखाने वाले हैं। और इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद दोस्तों ये कैसे कैसे आपको सेट करना है, इसमें कैसे आपको मोबाइल लगा के कैसे इससे फ़ोटो को कैप्चर करना होता है या वीडियो को शूट करना होता है। दोस्तों एक ये ब्लूटूथ वाला है दोस्तों, मतलब 10 मीटर तक ये आपका ये वायरलेस है, जो ब्लूटूथ वाला वायरलेस है, जिससे आप इसके साथ में एक रिमोट आता है, उससे आपको फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये 113 ग्राम इसके वजन है और 360 डिग्री रोटेशन है, यानी दिशा को चारों तरफ ये आसानी से घूम सकता है। तो अभी हम इसको बॉक्स से बाहर निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। दोस्तों ये बॉक्स बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखता है, इसको साइड से रखते हैं, ये इस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है। अब दोस्तों आप तो सोच रहे हो यार ये तो बहुत छोटा सा है, ये देखो ये तो कहीं पॉकेट में भी डाल लोगे आराम से। देखो इस तरह से पॉकेट में भी डाल के घूम सकते हो, आराम से पॉकेट में डाल लेना है। और ये कितना कंफर्टेबल रहेगा इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ से ऐसे इस तरह से ऐसे पकड़ के यहाँ से आसानी से खोल सकते हैं। खोलने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से इसको किसी भी दिशा में हम घुमा सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर इसके अंदर से ये दो ये इस तरह से यहाँ पर निकलता है, इसके अंदर आपका फ़ोन जो है फिक्स हो जाता है। इस तरह से देख सकते हैं ये इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इसमें फ़ोन को फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर फ़ोन को इस तरह से रखना है, इस तरह से भी आपको कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये किसी भी दिशा में रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री। इसके बाद आप आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी दिशा में आसानी से घुमा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कितना कंफर्टेबल है। और इसके बाद इसकी हाइट की बात करें तो इसकी जो लेंथ है कितनी है, तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए दोस्तों इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 2.25 फीट की होगी। आसानी से आप इससे अपना जो फ़ोटो है कैप्चर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप दोस्तों नीचे की तरफ देखेंगे, थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको एक रिमोट दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, ये है ये दोस्तों इसका एक रिमोट है। इस रिमोट को आप अपने मोबाइल के जो जिससे आप अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, उसके ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर देना है। ब्लूटूथ ऑन कर देने के बाद यहाँ पर जो आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़े लंबे समय तक प्रेस करके रखेंगे तो इसके देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ब्लू यानी नीले कलर की एक लाइट अभी ब्लिंक कर रही थी। इस तरह से फिर से दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखो अभी यहाँ पर एक लाइट जो है ब्लिंक कर रही है ब्लू कलर की, दोस्तों देख सकते हैं। इसका मतलब इसका जो ब्लूटूथ है ऑन हो गया है। अब आपको अपने फ़ोन में जाना है, फ़ोन में देखना ब्लूटूथ ऑन होगा तो उसके बाद आपको बी कॉल सेल्फी करके यहाँ पर एक वायरलेस इसका कोड आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो ये आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको करना क्या है, इस तरह से दोस्तों इसको आप कहीं पर रख के भी, स्टैंड टाइप का भी है, इस तरह से यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये स्टैंड है, इसको आसानी से कहीं पर भी रख सकते हैं, रखने के बाद आराम से वीडियो शूट कर सकते हैं। और ये जो रिमोट है, यहाँ से आप जैसे इस बटन को यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपका जो वीडियो कैमरा है ऑन हो जाएगा। अगर आप फ़ोटो खींच रहे हैं तो ऐसे ही उसको बटन को दबाएंगे तो फ़ोटो आपका शूट हो जाएगा। वीडियो इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, वीडियो आपको बंद करना है तो इस बटन पे दबा देंगे और इसको वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप हाथ में इसको रख रहे हैं तो ये जो रिमोट है इसको यहीं पर जैसे फिक्स था उसी हिसाब से हमें फिक्स कर देना है।
इस तरह से ये इसके अंदर फिक्स हो गया है और इस तरह से ये यहाँ पे रहता है। तो हम जैसे ही इसको इस तरह से पकड़ते हैं दोस्तों, ऐसे करके इस तरह से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से हमें जो बटन है जैसे इसको प्रेस करेंगे वैसे ही हमारा जो कैमरा है स्टार्ट हो जाएगा, वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और रिकॉर्ड होना। और जैसे अगर फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो इस बटन पर जैसे ही हम प्रेस करेंगे वैसे ही जो हमारा फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं, इसकी लेंथ भी दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी हद तक सही है। और इसके बाद ये सबसे खास बात इसकी है 360 डिग्री रोटेट होता है, आप किसी भी दिशा में इसको ईजिली घुमा सकते हैं। उसके बाद आप स्टैंड की तरह रखे भी इससे वीडियो भी शूट कर सकते हैं। और ये इतना कम्फर्टेबल है कि आप इसको अपने पॉकेट में भी डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं और ला सकते हैं इस तरह से। और दोस्तों इसका जो ब्लूटूथ है बंद करना है, तो यहाँ पर देखो इसी तरह से कुछ थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आप छोड़ देंगे तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा। अभी ये बंद हो गया, अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप बंद हो चुका है। अगर दोस्तों इसका जो प्राइस है, अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस भी बहुत कम है, ज़्यादा कॉस्ट इसकी नहीं है। ये हमने जो मंगाया था 484 यानी 484 रुपए का हमने ये ऑनलाइन परचेस किया था दोस्तों, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस जगह पर उस मार्केट में मैंने इसे देखा, लेकिन वहाँ पर मुझे ईजिली मिला नहीं था, तो इसीलिए मैंने ये ऑनलाइन ही परचेस करना सही समझा। अगर दोस्तों आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप चाहें तो कहीं मार्केट से भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको कहीं मार्केट से अगर अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको यहाँ पर कैसे कैसे अभी हमने यहाँ पे बताया है, वीडियो को शूट किया था। तो यहाँ पर जैसे ही बटन को प्रेस करते हैं इस कैमरे में, आप देख सकते हैं कैसे वीडियो स्टार्ट हो जाती है और वीडियो कैसे बंद हो रही है, फ़ोटो कैसे कैप्चर हो रहा है, ये सब कुछ इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो था वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।